हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 50 ऑफ आर 90 डेज टोटल रिसर्च जर्नी। आज हमारा डे 50 है। वी आर लाइक 10 डेज लेफ्ट फॉर आर सेकेंड माइलस्टोन। रियली वेरी वेरी हैप्पी। तो एज आई एम वेरी हैप्पी, तो आज मेरा फेवरेट वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ ग्लूट्स का वर्कआउट। जस्ट किडिंग, आज वेंसडे है। मैं नॉर्मली मिड वीक आई ट्राई की अपने फर्स्ट दो वर्कआउट्स के बाद में, जैसे फर्स्ट हमने इस वीक में लेग्स किया एंड देन चेस्ट किया, तो आई नॉर्मली ट्राई थर्ड में ग्लूट्स का वर्कआउट करूँ, सो दैट कि मेरा जो लेग्स का पार्ट है वो मेरा फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक में हो जाए, एंड देन आई लाइक गिव माई टाइम टू रिकवर, बिकॉज लेग्स में ग्लूट्स में पेन होता है राइट बहुत। तो आज हम करेंगे अपना ग्लूट्स का वर्कआउट, एंड ग्लूट्स के वर्कआउट में आई ट्राई टू गिव यू होम वर्कआउट्स एज वेल टूडे, या फिर लेट्स डू ओनली होम वर्कआउट और समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं कहीं पे रॉड्स यूज कर रही हूँ वर्कआउट में, एज सिंपल एज दैट, यू कैन डू द सेम वर्कआउट विद डंबल्स। अभी तक आप लोग देख चुके होंगे कि कैसे हम रॉड्स को डंबल्स से स्विच कर सकते हैं। जस्ट स्विच द रॉड्स विद द डंबल्स, अदरवाइज आई एम फॉर श्योर गोइंग टू गिव यू, अगर मैं बहुत ही कोई डिफरेंट वर्कआउट करती हूँ, जो कि नहीं होगा आई थिंक, बट इफ आई डू आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑल्टरनेटिव फॉर द होम वर्कआउट फॉर दैट। जो बिगिनर्स हैं, मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं इंस्टाग्राम पे कि बिगिनर्स क्या वर्कआउट करें। डियर बिगनर्स भी सेम वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप बस अपना वार्म अप बहुत अच्छे से करो ताकि आपकी बॉडी वार्म हो जाए। इफ़ यू आर बिगनर एंड देन यू कैन ऑल्सो लाइक डू 10 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल बिफोर द वर्कआउट। बिगनर्स के लिए मैं एक एडवाइस दूंगी कि अपनी रेपिटेशंस देख के करो कि आप में कितनी रेपिटेशंस हो पाती हैं। सेकेंड थिंग, अपने वेट्स कम रखो या फिर विदाउट वेट्स स्टार्ट करो ताकि एक बार आपकी बॉडी उस पोस्चर की यूज टू हो जाए, राइट? तो आज हम अपना ग्लूट्स का वर्कआउट क्या क्या करने वाले हैं, दीज आर। तो सबसे पहले हम अपना वार्म अप अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज हमने भी रिसेंटली लेग्स लगाई थी, तो मेरा पेन भी मुझे एक दिन के बाद हो रहा है, तो दैट्स वाई आई एम गोना स्टार्ट विद माय फर्स्ट वर्कआउट। पहले वार्म अप्स करेंगे एंड देन उसके बाद हम फर्स्ट वर्कआउट करेंगे, दैट इज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वाट्स से, सिंपल स्क्वाट्स ताकि वार्म अप भी हो जाए। तीन सेट करेंगे स्क्वाट्स के, तीन सेट्स में वी विल ट्राई 20 रेपिटेशंस इन ईच सेट। सेकेंड वर्कआउट जो हम करेंगे, दैट इज डेडलिफ्ट्स। आज का हमारा जो ग्लूट्स का सेशन है बहुत ही एक्सप्लोसिव होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई रेपिटेशंस विद द एग्जिस्टिंग वेट्स आई लिफ्ट, ठीक है? तो बर्न बहुत ही तगड़ा फील होने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द सोरनेस फॉर एवरीथिंग एंड ऑफ कोर्स बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिजल्ट्स एज वेल। तो नेक्स्ट हम करेंगे डेडलिफ्ट्स, ग्लूट्स पे फोकस होंगी, तो ऑफ कोर्स हम नीज बेंड करने वाले हैं काफ़ी, तभी ग्लूट्स में हमारा फोकस जाएगा। एंड इसके हम लोग लगाएंगे 4 सेट्स, बिकॉज स्क्वाट्स ऑफ कोर्स हमारा सेट था बट मोर ऑफ वार्म अप था पूरे लेग्स के लिए, तो बट आई नो बहुत ही वार्म वाला वार्म अप था, बिकॉज हमने 20 रेपिटेशंस लगाई ईच सेट की, तभी मैंने 3 ही सेट्स करवाए, अदरवाइज मैं फर्स्ट वर्कआउट के 4 सेट्स लगाती, जो अब हम डेडलिफ्ट में लगाने वाले हैं। 4 सेट्स एंड रेपिटेशंस रहने वाले हैं कुछ इस तरह से कि फर्स्ट में हम 20 करेंगे बिकॉज आई एम गोना गो लाइट एंड देन आई ट्राई 15, उसके बाद 12 एंड 12 रेपिटेशन आई एम गोना ट्राई। आप भी सेम करो, अगर 12 रेपिटेशन नहीं होती है प्लीज लो डाउन योर वेट्स
एंड आपसे अगर 12 रेपिटेशंस नहीं पूरी हुई, आपको लग रहा था कि हो जाएंगी पूरी, तो यू कैन सिंपली लाइक लो डाउन द वेट्स एंड देन कंप्लीट योर रेपिटेशंस, ड्रॉप सेट बोलते हैं हम जिसको। नेक्स्ट हम अपना वर्कआउट करेंगे, हमारे दो वर्कआउट्स हो चुके हैं। फर्स्ट हमने किए स्क्वाट्स एंड देन हमने किए डेडलिफ्ट्स। अब हम थर्ड वर्कआउट करने वाले हैं, दैट इज हिप थ्रस्टर्स बट यूजिंग डंबल्स। तो जो लोग घर पे वर्कआउट कर रहे हैं वो भी ये लोग कर सकते हैं। इफ़ यू आर लाइक हमारे पास तो बेंच नहीं है, यू कैन यूज द बैक ऑफ योर बेड और यू कैन यूज द बैक ऑफ द सोफा आर्म। तो आप कहीं वो एक सपोर्ट चाहिए होता है, सपोर्ट जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो, ठीक है। आजकल हमारे बेड्स भी बहुत लो हाइटेड होते हैं, आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो, पर अगर आपका बेड हाई हाइटेड है तो प्लीज़ उसका सपोर्ट मत लेना, इट्स गोना कॉज यू इंजरी। बेटर है कि आपके अगर सोफ़ा की आम है तो आप वो ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हो। ग्लूट ब्रिजेस के वर्कआउट्स आपको पता है, मैंने आपको शो किए हुए हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, दैट्स एन ऑल्टरनेटिव whoever wants to it। बट जो बिगिनर्स हैं, फॉर बिगिनर्स आई एम गोना टेल यू, आप विदाउट वेट्स ट्राई करो। अगर आप बिगिनर हो तो डोंट गो विद वेट्स, गो जस्ट विद द पोज। आपका वैसे ही बहुत बर्न हो जाता है आपके हिप थ्रस्टर्स में, इवन इफ यू गो विदाउट वेट्स। तो इसके भी हम लोग तीन सेट्स करेंगे, तीन सेट्स में वी विल ट्राई 12 से 15 जितने भी रेपिटेशन आते होती ट्राई करेंगे। हैवी हो जाएगा तो शायद 12 ही हो पाए, फर्स्ट सेट में 15 हो जाएंगी। तो अब हम करेंगे अपना फोर्थ वर्कआउट, दैट इज सुमो स्क्वाट। सुमो स्क्वाट्स मैं लेग्स के डे भी लगाती हूँ एंड मैं ग्लूट्स के दिन भी लगाती हूँ। दीज वर्कआउट्स ना लाइक स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स आर लाइक मस्ट टू हैव इन एनी काइंड ऑफ लोअर बॉडी वर्कआउट्स। तो अभी हम सुमो स्क्वाट्स के तीन सेट लगाएंगे। मैं वेटेड लगा रही हूँ तो मेरे रेपिटेशंस 15, 15 और 12 रहने वाली हैं। अगर आप लोग विदाउट वेट्स लगा रहे हो तो एंड यू आर अ बिगिनर, यू आर एट होम, यू डोंट वांट टू डू लिफ्ट, डू सुमो स्क्वाट्स विद डंबल्स, तो आप लोग इसके 30 रेपिटेशंस कर सकते हो एंड ईच साइड एंड तीन सेट्स लगा सकते हो, ठीक है। हमारा हम लास्ट वर्कआउट कर रहे हैं ग्लूट्स का, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट वर्कआउट। जो लोग मुझे अब तक इस जर्नी में फॉलो कर रहे हैं आई थिंक दे नो बाय नाउ, डोंकी किक्स आर माय फेवरेट वर्कआउट। नाम पे मत जाना, बट इस वर्कआउट का जो इफेक्ट है दैट इज लाइक अमेजिंग। तो प्लीज ये वर्कआउट जरूर करना जिसको भी अपने ग्लूट्स शेप अप करने हैं। एंड ये हम तीन सेट्स लगाने वाले हैं। मैं वेटेड कर रही हूँ विद दीज एंकल वेट्स। अगर आप विदाउट एंकल वेट्स कर रहे हो तो आप 30 रेपिटेशंस ईच सेट में जा सकते हो ईच साइड पे। तो आई एम गोना डू 15 ईच साइड, लेट्स डू इट।
तो हमारा आज का वर्कआउट यही ख़त्म होता है। हमने अपने ग्लूट्स के 5 वर्कआउट किए हैं एंड आई होप आप सबको ये वर्कआउट्स बहुत अच्छे लग रहे हों। तो इसके बाद मेरा वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, बट मैं कार्डियो करने वाली हूँ। कार्डियो आज मैं इंक्लाइन वॉक नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज रोज़ रोज़ करना इज़ नॉट गुड। तो आई एम गोना डू नॉर्मल, आपका 7 की स्पीड पे मैं रन, जॉग, जो भी आप कह लो वो करने वाली हूँ 20 मिनट्स के लिए। एंड आफ्टर दैट फटाफट जाके प्रोटीन लेना, बिकॉज आई एम फीलिंग सुपर हंग्री। तो कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सब हो चुका है एंड अमेजिंग सेशन रहा आज का। एंड आई होप आप भी फॉलो कर रहे हो, आपको भी अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर सच में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दो, कमेंट्स में बता दो। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भी, नहीं अच्छे लग रहे तो क्या इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, प्लीज़ लेट मी नो। एंड सच में अगर इफेक्टिव हैं तो प्लीज़ बताना मुझे वर्कआउट्स। एंड अभी के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभरात्रि, कल मिलेंगे। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गुड नाइट।